नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है, जी हाँ, बिहार संविदा से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वह हम आपको देने जा रहे हैं। सारा खबर हम आपको बताएंगे, संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई वेतन वृद्धि से लेकर तमाम तरह के जो ताज़ा अपडेट है उसे हम आपको अवगत कराएंगे। इससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जो वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं इसका प्रतिफल घूम फिर कर आप ही लोगों के, यानी कि इसका लाभ और हानि आप ही को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर संविदा कर्मियों और जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछे जाते हैं और सरकार को जो है कि आईना दिखाया जाता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला अपडेट है कि अपनी मांगों के समर्थन में बीते 21 दिनों से अनिश्चितकालीन पर चल रही आशा कार्यकर्ताओं ने आगामी 3 अगस्त को पटना में जुटने का निर्णय लिया है। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन महासंघ गोप गुट के एकटू से संबंध बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है, जबकि आशा कार्यों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है, पटना उच्च न्यायालय ने भी तारीफ की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 2 बार की बातचीत में मासिक मानदेय और न्यूनतम रिटायरमेंट बेनिफिट देने से मना कर दिया है। तो 3 अगस्त को बिहार के जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं वे सारे लोग जो है कि पटना में उनका जुटान होगा, क्योंकि जो है कि उनका वार्ता लगातार स्वास्थ्य विभाग से फेल हुआ है, जबकि उनके कार्यों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सराहा गया है, पटना उच्च न्यायालय ने सराहा है और कोरोना काल में भी आशा कार्यकर्ताओं का कार्य सराहनीय रहा है, सरकार ने इसे स्वयं माना है। इसके बावजूद उनको जो है कि मानदेय और न्यूनतम रिटायरमेंट बेनिफिट देने से स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर मना कर रहा है, जिसकी अगली रणनीति तय करने हेतु और रूपरेखा बनाने के लिए 3 अगस्त को आशा कार्यकर्ता बिहार के कोने कोने से जो है कि पटना की धरती पर एकत्रित होंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको याद दिला दे कि वीडियो को लाइक करना नितांत ही आवश्यक है। तो आपको बताते चले कि आशा से संबंधित न्यूज हमने तो आपको बता दिया। यहाँ जो है कि शिक्षकों के वेतन को 755 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पटना शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना मद में सहायक अनुदान के अनुरूप 755 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किया है। इस राशि से जुलाई का वेतन का भुगतान होगा। हमारा अगला अपडेट भी जो है कि शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से ही जुड़ा हुआ है, इसको जानना आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, आगे वेतन वृद्धि से संबंधित हम खबरें आपको बताएंगे। नियोजित शिक्षकों की नई नियुक्ति में सरकार वेतन संरक्षण का लाभ देगी। यह लाभ 20 अगस्त 2020 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगी। वर्तमान नियोजन इकाई अथवा किसी अन्य नियोजन इकाई में उच्च कोटि के पद पर नियोजन की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। अगस्त 2020 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अब पूर्व की सेवा के आधार पर ही वेतन मान का निर्धारण किया जाएगा। इसके मुताबिक कोई भी नियोजित शिक्षक यदि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में पास होकर दूसरे अध्यापक या जो है कि कुछ भी बनते हैं तो उनकी न्यूनतम वेतन राशि जितना एक नियोजित शिक्षक के रूप में उसे मिलता था उसे कम नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि वेतन संरक्षण नियम का मतलब होता है कि पहले अगर आप किसी पद पर कार्य कर रहे हैं और उसमें आपका साल दर साल वेतन इंक्रीज होकर बढ़ा हुआ है और आप लोक सेवा आयोग के माध्यम से दोबारा किसी अन्य पद पर चयनित हो जाते हैं तो वहाँ जो है कि आपको वेतन वही मिलेगा जो पहले से बढ़ा हुआ है, ना कि उससे आपको कम मिलेगा। तो इसको लेकर जो है कि वेतन संरक्षण
नियमावली कैबिनेट में पारित कराकर शिक्षकों के लिए सरकार ने जो है कि लागू कर दिया है। पंचायती राज एवं नगर निकाय के तहत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 और बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 के प्रभावी होने के तिथि से अर्थात 20 अगस्त 2020 के बाद नियुक्त होने वाले सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका लाभ बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगा। इसका मोटे मोटे शब्दों में वेतन संरक्षण का मतलब हुआ यही कि जो है कि नए पद पर जब वे लोग लोक सेवा आयोग से बहुत सारी नियुक्ति होने वाली है तो चूंकि उनका साल दर साल जो वेतन मिलता बढ़कर मिला होगा उसे कम उन्हें नहीं दिया जाएगा, उसे बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। और जो है कि स्वास्थ्य नियमावली को स्वीकृति दी है सरकार ने, तो यह जो है कि शिक्षकों के लिए अपडेट जो है कि हमने आपको बता दिया। अब वेतन वृद्धि हुआ है बिहार में, वेतन वृद्धि हुआ है, किनका वेतन वृद्धि हुआ है यह अभी आप लोग जान लीजिए। वेतन मान बढ़ाने का संघों ने किया है स्वागत। मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सकों का ग्रेड पे 5400 से बढ़ाकर 6600 रुपये ग्रेड पे कर दिया गया है। यानी कि ये जो है कि चिकित्सकों के लिए बढ़ा हुआ ग्रेड पे 5400 से 6600 किया गया है। चिकित्सक संघों ने इसका स्वागत किया है। चिकित्सक संघों ने कहा है कि इसे सरकार की ओर से 5000 चिकित्सकों की जो बहाली हो की प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें सफलता मिलेगा। IMMS बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर एस एन प्रसाद ने कहा कि विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सकों की तुलना में 3 साल ज़्यादा पढ़ाई करता है, किसी खास बीमारी के इलाज में उसे महारत हासिल होती है। यही बिहार सेवा स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा के प्रवक्ता एम्स के डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि ज्वाइनिंग के दिन से 6600 ग्रेड पे मिलने से राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी। इससे गंभीर मरीजों का इलाज भी जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में संभव हो सकेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि यह पूर्णतः पैसे की बर्बादी है। कहीं कोई इलाज नहीं होता, कोई दवा नहीं मिलता, वह पटना का एम्स हो वहीं पर इलाज संभव है, दिल्ली में इलाज संभव है। जिला अस्पतालों में जो है कि चिकित्सकों पर इतना खर्च करना और छोटे छोटे संविदा कर्मियों का जो है कि संज्ञान नहीं लेना यह दुख की बात है। आप जान लीजिए 5400 से 6600 ग्रेड पे किया गया है और जो है कि बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मी वर्षों से टहल रहे हैं, उनके बारे में सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि जो है कि उनका भी ग्रेड पे न्यूनतम पे स्केल तय किया जाएगा, लेकिन यह जो है कि अभी तक हो नहीं पा रहा है। जो है कि सरकार से हम मांग करते हैं कि जितना जल्द हो संविदा कर्मियों का संज्ञान ले सरकार और इसी प्रकार जो है कि सारे संविदा कर्मियों का न्यूनतम ग्रेड पे तय करे ताकि बिहार के संविदा कर्मियों की जो अमानवीय स्थिति है उसमें सुधार आए। तो अभी जो अपडेट था भैया हमने बता दिया, इसे इतर कुछ अपडेट तो हम अपने आप दे नहीं सकते हैं। और यदि आपको कोई बनावटी अपडेट लेना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए हैं जहाँ पे जो है कि किसी का लेटर निकलता है, सचिवालय कर्मी का लेटर निकलता है और वह आदमी पढ़ के बोल रहा था कि यह संविदा कर्मी का लेटर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस न्यूज से आपको आज की जानकारी, हम सुबह से लगे हुए हैं, हमारे सूत्र लगे हुए हैं, सैकड़ों छानबीन के तरीके अपनाने के बाद जो हासिल होता है वह हम आपको बताते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस चैनल पर बिताया गया समय आपका बहुत व्यर्थ नहीं होगा, आपका जो है कि भविष्य तय करेगा और कीमती वक्त आपका जाया नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय